हमारा ये मुआशरा मुसलमानों का, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे भी दीन का काम कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने अंग्रेजी पढ़ी हो वो शैतानी काम करते हों। बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, तबलीगी जमात में कितने बड़े लोग हैं, अंग्रेजी जानते हैं। साउथ अफ्रीका, जेम्बिया, ये तो अंग्रेज़ के कान काट ले ऐसी अंग्रेजी आती है इन्हें। जुनूबी अफ्रीका में, जेम्बिया में, ये जितने भी गुजराती स्पीकिंग हमारे भाई हैं माशाल्लाह बड़े दीनदार हैं और सब शरीयत के मुताबिक। इतना सा गोद का बच्चा भी वो भेजते हैं, औरतें भेजती हैं, जाओ हजरत से दम करा लाओ, हजरत का हाथ रखवा दो, हजरत ही कहते हैं वहाँ उलमा को। इतना सा बच्चा गोद में, लड़का, उसके सर पे टोपी, वही जाली की टोपी, ये बहुत दीनदारी की बात है। उस बच्चे के भी सर पे टोपी। तो साउथ अफ्रीका के, जनूबी अफ्रीका के मुसलमान बड़े दीनदार हैं, तो क्या अंग्रेजी जानने की वजह से क्या वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे इसी पाकिस्तान में, कराची में, सब जगह अंग्रेजी पढ़े लिखा होना कोई ऐब नहीं है, कोई नक्स नहीं है। मैंने भी पढ़ी है अंग्रेजी। जब मैं किसी को बताता हूँ मजमे में कि मैंने सन 78 में बीए फाइनल किया कराची यूनिवर्सिटी से, तो वो सोचते हैं कि मैं होश में भी हूँ या नहीं। यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले की ये शक्ल होती है। बहरहाल, अंग्रेजी पढ़ना लिखना इस्लाम के, शरीयत के खिलाफ नहीं है। और कभी उलमा ने अंग्रेजी पढ़ने की मुखालफत नहीं की। उलमा का कहना यह है कि अंग्रेजी जबान सीखो और कोई जबान सीखना चाहो सीखो, लेकिन अंग्रेज का कल्चर नहीं अपनाओ, ये है असल बात। वो गड़मट कर देते हैं, मौलवियों ने तो अंग्रेजी पढ़ने को मना कर दिया। कोई मना नहीं किया। आज सारे उलमा, जितने भी उलमा हैं, उनकी बेटियां, उनके बेटे स्कूलों में, कॉलेजों में ए लेवल, ओ लेवल पढ़ते हैं, तो ये बिलावजह का इल्जाम है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कल्चर, अफसोस इस बात का है कि जब बच्चे ने कहा, छींकने पे उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे ने कहा, तो अब्बा जान क्या बोले, क्या कहा तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहरहाल अफसोस हुआ। अब्बा जान फरमा रहे सॉरी कहा करो, जब छींक आए सॉरी कहो, ये मत कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लामा इकबाल का शेर सुना दूं, फरमाया कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूद, शक्लो सूरत यहूदियों की, ईसाइयों की, और हरकतें हिंदुओं की। मैं नहीं कह रहा, और मैं अगर कहूँगा भी तो मैं कोई मुजरिम नहीं हो जाऊँगा आपका, ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। फरमाया कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, और ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यहूदी भी शर्मा जाते हैं कि लो जी, हम तो इनके खिलाफ चल रहे थे कि इनका नामो निशान मिटाएंगे, ये तो खुद हमारी तरीके पे आ गए।